हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज, एशिया कप 2022 के सुपर फोर मुकाबले में आज हमें मैच देखने को मिला था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, और ये मुकाबला भारत की टीम के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस मुकाबले के रिजल्ट से भारत के एशिया कप में जाना या फिर बाहर होना काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था। और इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को बीट कर दिया, जिसके बाद अब भारत की टीम एशिया कप से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही पूरी की पूरी पॉइंट्स टेबल आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आज खेले गए सुपर फोर के मुकाबले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें हमें आमने सामने देखने को मिली थी, और भारत के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनकी सारी उम्मीदें इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम के साथ ही। अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीतती तो फिर भारत की टीम की उम्मीदें बरकरार रहती है एशिया कप के फाइनल में जाने के लिए। लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने अफगानिस्तान की टीम को हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने एशिया कप के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है श्रीलंका की टीम के साथ ही, और इसके साथ ही भारत की टीम के एशिया कप का सफर भी खत्म हो चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान की आज अफगानिस्तान के ऊपर मिली जीत के बाद पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो सबसे नीचे यानी कि बॉटम मोस्ट पोजीशन में नंबर 4 पर हमें देखने को मिलती है अफगानिस्तान की टीम। अफगानिस्तान की टीम ने अभी तक सुपर फोर में 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक भी मुकाबले पर उनको जीत नहीं मिली, दोनों मुकाबले ये टीम हार चुकी है। और इसके साथ ही इनके 0 पॉइंट्स हैं और इनका नेट रन रेट हमें देखने को मिलता है -0.523 का। इनके बाद पॉइंट्स टेबल में इनसे ऊपर अगर बात की जाए नंबर 3 की पोजीशन की, तो यहां पर हमें देखने को मिलती है अपनी भारत की टीम यानी कि टीम इंडिया ने भी 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से दोनों के दोनों मैचेस ही हार चुके हैं। पहले पाकिस्तान फिर श्रीलंका से मुकाबले हार गए थे, जिसके चलते 2 मैच में भारत की टीम के भी 0 पॉइंट्स हैं और भारत की टीम का नेट रन रेट -0.125 है। अब क्योंकि ये नेट रन रेट अफगानिस्तान की टीम से बेहतर है, जिसके चलते भारत की टीम पॉइंट्स टेबल में करेंटली हमें नंबर 3 की पोजीशन पर देखने को मिल रही है। अब हमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला देखने को मिलने वाला है, तो वो मुकाबला बस इतनी ही सिग्निफिकेंस का रह गया है कि भारत की टीम अगर उस मैच को जीतती है तो भारत नंबर 3 पर फिनिश करेगा, और अगर भारत उस मैच को भी हार जाता है तो फिर भारतीय टीम इस जो सुपर फोर है उसमें बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर फिनिश करेगी। इसके बाद अगर बात की जाए पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 की पोजीशन की, तो यहां पर हमें देखने को मिलती है आज के मुकाबले के बाद पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने भी टोटल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीत चुकी है, जिसका मतलब है इनके 4 पॉइंट्स हो चुके हैं और इनका नेट रन रेट है +0.314 का, यानी कि पाकिस्तान की टीम पॉजिटिव नेट रन रेट और दोनों ही मुकाबलों में जीतने के साथ ही अब एशिया कप के फाइनल में जगह बना चुकी है, और ऐसे में हो सकता है कि ये सुपर फोर में टॉप पर भी फिनिश करें। फिलहाल अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 यानी कि टेबल टॉपर्स की, तो यहां पर हमें देखने को मिलती है श्रीलंका की टीम। श्रीलंका की टीम ने अभी तक टोटल 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों ही मैचेस श्रीलंका की टीम भी जीती है, तो इनके भी 4 पॉइंट्स हैं, लेकिन क्योंकि इनका नेट रन रेट पाकिस्तान के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेहतरीन है, तो इसके चक्कर में श्रीलंका हमें पॉइंट्स टेबल में टॉप पर नजर आ रही है। इनका नेट रन रेट हमें देखने को मिलता है +0.351 का। आखिरी लीग मैच हमें श्रीलंका पाकिस्तान एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हुए नजर आएंगे, जिसका मतलब है जो भी टीम उस मुकाबले को जीतेगी वो सुपर फोर में टॉप पर रहेगी। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में ही हमें 11 तारीख को होने वाला एशिया कप का फाइनल देखने को मिलने वाला है। तो गाइज, ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से कौन जीतेगा एशिया कप 2022। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।